स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नया न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले ने अपडेट किया हुआ है। तो अगर आप उधर से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस चेंज हो गई। ठीक है, पहले आपको थोड़ा कम फीस जमा करना पड़ता था, अभी आपको फ़ीस थोड़ा ज़्यादा जमा करना होगा डिग्री के लिए। तो इसके लिए अभी मैं उसकी वेबसाइट पर चलता हूँ और आप लोगों को वही नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ठीक, तो इसके वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये कुछ दिन के लिए इधर वेबसाइट पर होगा। तो वीडियो मैंने बनाने का ये मकसद है कि ये आपको फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, तो अपने वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को इंश्योर करता हूँ की न्यूज़ है। ठीक है, मैं वैसे नहीं बता रहा। तो आपने जाना है इसकी वेबसाइट पे, मैं चला गया तो ये आप देख सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये इसने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, 24 दिसंबर 2019 को। और ये जो फीस की जो रीअपडेट किया हुआ है कि आपने कितनी फीस जमा करनी है, तो ये 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 जनवरी से। तो अभी ये एडवर्टाइजमेंट अभी मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने फीस आपको जमा करना होगा पर डिग्री के। तो ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीटीसी की सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं डिग्री, तो इसके लिए आपको 500 जमा करना होगा। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपको फिर 1000 जमा करना होगा। तो इसी तरह के नीचे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, 1.5 या 2.5 या 4 ईयर, तो इनके लिए अगर आप 1.5 कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये जमा करना होगा नॉर्मल के लिए, और 2400 जमा करना होगा अर्जेंट के लिए। ठीक है, पहले 600 हुआ करता था, मैंने ऑलरेडी मैं अपनी डिग्री के लिए 600 मैंने जमा किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल के लिए, लेकिन अभी ये चेंज हो गई है। तो अगर आपको नॉर्मल लेना चाहते हैं आप, तो आपने फिर 1200 जमा करने हैं। अगर आप अर्जेंट डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो फिर आपको फीस डबल जमा करना होगी 2400। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप पीएचडी की बात किया जाए तो नॉर्मल के लिए 3000 है और अर्जेंट के लिए 6000 फीस को आप जमा करना होगा। तो इसके बाद नीचे आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको जो डिग्री के लिए अपनी फीस जमा करनी होती है, पहले आपको बहुत सारी बैंक्स में जमा आप कर सकते थे, ठीक है, जैसे कि MCB हो गया, नेशनल बैंक हो गया, तो अभी आपको सिर्फ फीस ABL में जमा करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने ABL बैंक पे जाना है, उधर आपने फीस जमा करनी है। लेकिन एक बात की आप लोगों ने ध्यान रखनी है, अगर आपने रीअपीयर पेपर दिया हुआ हो तो रीअपीयर जो पेपर है उसकी फीस भी आप लोगों ने ज़रूर जमा करनी है, वरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी जो प्रोग्राम आपने किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी आप लोगों ने साथ स्टेपल करने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आईडी कार्ड कापी और चालान और सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेपल करके आप लोगों ने उसको भेजनी है। ठीक है, तो अगर आपकी रिज़ल्ट कार्ड में और आपकी डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट हो तो आपको डिग्री टाइम पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आप बाद में डिग्री का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको पोस्ट करते हैं तो आपको 600 रुपये पे करना होगा। अगर आप उधर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी खुद जाना चाहते हैं तो आपको 1000 जमा करना होगा डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए। तो ये थी आज की कुछ नया न्यूज़। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।